टेक्निकल यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज। और दोस्तों, एक का ऐसा एक कमेंट आया होता अभिषेक विश्वास करके एक भाई है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि फिंगरप्रिंट में जो प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर एक लिख के वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको मैं बताऊँगा कि फिंगरप्रिंट में ज़्यादातर तो जो प्रॉब्लम्स होती है वो किस वजह से होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं फिंगरप्रिंट की। फिंगरप्रिंट स्कैनर, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे स्मार्टफोन के कभी आगे होता है, पीछे होता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी। लेकिन यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे फिंगरप्रिंट एक ऐसा सेंसर है जो आपकी उंगली के यानी कि जो रेखाएं होती है उससे वो स्कैन करके फिर आपकी जो फ़ोन है उसमें कई तरह के काम होते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन अनलॉक होता है, फिर उसके बाद कई सारे फीचर्स होते हैं, तो आप अपने सिर्फ फिंगरप्रिंट के रेखाई से करते हो। अब मैं बताऊंगा कि वर्क कैसे करता है, फिर इसमें प्रॉब्लम कैसी आती है। यहाँ पर दिया जाता है एक सेंसर होता है यानी कि फिंगरप्रिंट के लिए। वो सेंसर होता है वो आपकी जो जो उंगलियां जितने भी जो फिंगर्स होते हैं उसकी जो रेखा है वो उसे पहचानता है, और उसे पहचान कर बाद में वो आगे सिग्नल भेजता है। अब यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट जो स्कैनर होता है उसमें सॉफ्टवेयर यूज़ की जाता है। सॉफ्टवेयर की वजह से क्या होता है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर जब कोई बिल्ड करता है, यानी कि आपको जैसे पता होगा फिंगरप्रिंट से आप अनलॉक करते हो, तो वो भी पासवर्ड की वजह से होता है। काफ़ी सारे काम्स होते हैं फिंगरप्रिंट के जरिए, वो भी सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। तो वहाँ पर वो सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल से क्या होता है कि बाद में उसे पता चलता है कि ऐसा ये चीज़ जो भी है कमांड सॉफ्टवेयर होता है तो वो ओपन हो जाता है, यानी अगर आपका फ़ोन लॉक है तो वो अनलॉक हो जाता है। अब बार बात करता हूँ कि फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम क्यों आती है। फिंगरप्रिंट में आने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए अगर आपने ये फिंगरप्रिंट अगर आपने सेट किया है, अगर आपने वो उंगली जो आपका फिंगर है अगर वो आप ज़्यादातर का प्लेस करते हो। फिंगरप्रिंट हर आदमी के हिसाब से अगर देखोगे तो हर साल हर दिन में कम से कम तो 121 बार जो भी इंसान जो भी व्यक्ति जो भी होगा वो 121 बार फिंगरप्रिंट को एक्सेस करता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है। जब भी आप जिस उंगली को अपने फिंगरप्रिंट पे लगा रहे हो, आप वो उंगली का अलावा अगर कोई और उंगली अगर आप प्लेस करते हो तो ऐसे में थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। जो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारी जो उंगली होती है उसकी जो रेखाएँ होती है वो हर दिन पे दिन या हर महीने के महीने वो बदलती रहती है। तो ऐसे में फिंगरप्रिंट जो सेंसर होता है वो थोड़ा स्कैन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, पहचान में रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा टाइम लगा देता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका वो कोई फिंगरप्रिंट की इशू नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड इशू को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि बहुत बार सॉफ्टवेयर की वजह से फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो खराब हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमें 10 और के फोन्स में देखने को मिलते हैं, अपडेट की वजह से जो फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है काफी वीक हो गया था, कभी बंद भी हो गया था। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की वजह से, तो सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग्स होती है अगर वो सही ढंग से अगर नहीं सेट की जाए तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपका वहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देने लगेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि चौथी प्रॉब्लम आपको पर फिंगरप्रिंट में आपको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता हो कि हार्डवेयर का सबसे बड़ा तो इशू होता है फिंगरप्रिंट। दोस्तों आपको पता है कि हार्डवेयर में कनेक्टिविटी बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर अगर फिंगरप्रिंट का अगर हार्डवेयर उतना क्वालिटेटिव यानी कि उतना सही ढंग से नहीं हुआ तो वहां पर आपको प्रॉब्लम देगा, तो ये एक नॉर्मल बात है। उसके बाद जो फिफ्थ में प्रॉब्लम की बात करने वाला यहाँ पर कि फिंगरप्रिंट के आपको दोस्तों पता होगा कि यहाँ पर कनेक्टिविटी होता है, अंदर बहुत सारे वायर्स सर्किट्स वगैरह होते हैं। अगर वहां पर कुछ अगर सर्किट्स वगैरह अगर शॉर्ट सर्किट अगर कुछ होता है, कुछ चीज़ें अगर उसे बराबर से फिट नहीं की जाए तो ऐसे में फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर आपको इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि फिंगरप्रिंट को सही रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि आप स्मार्टफोन अगर यूज़ करो तो आप अपने स्मार्टफोन को हर दिन एक बार तो भी आप रिस्टार्ट जरूर करें, क्योंकि रिस्टार्ट से स्मार्टफोन न्यू हो जाता है, उसके अंदर जो भी कुछ बग्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो सब रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो मैं बात करूँगा यहाँ पर आपको करना क्या है कि हर महीने में आप अपने फिंगरप्रिंट को न्यू सेट कीजिए। और दूसरी बात तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐप्स स्टोर करते हैं जो फिंगरप्रिंट से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे में अगर आपका फिंगरप्रिंट से अगर रिलेटेड कोई ऐप अगर जरूरी है तो आप उसे रखिए, या फिर आपको कोई जरूरी नहीं है तो आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे में फिंगरप्रिंट में कोई ना कोई मल्टीपल टास्क से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। और मेन जो इसका जो यानी कि मेन जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोसेसर से। अगर आपका प्रोसेसर अगर आपका अच्छा है, वेल एफिशिएंट है, पावरफुल है, तो ऐसे में आपका फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्तों यही थे कुछ नुस्खे जो आपको फिंगरप्रिंट में आपको ध्यान रखना है, कुछ नेगेटिव थिंग्स जो आपको नहीं करना है आपके फिंगरप्रिंट में, जिस वजह से फिंगरप्रिंट सेंसर आपका आगे जाकर वीक हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना उसे अपने प्रेस करना। तो आपको तब तक के लिए बाय।